नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उससे पहले नजर डालते हैं उत्तराखंड के इस वक्त की बड़ी खबर पर। मृतकों के परिजन को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। पीएम मोदी भी देंगे मृतकों के परिजनों को मुआवजा। आपदा में मरे लोगों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम मृतकों के परिजनों को देंगे मुआवजा। जी हाँ, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चमोली में जो आपदा हुई उसको लेकर पीएम मोदी मुआवजा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, मृतकों के परिजनों को उत्तराखंड के सीएम मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान। पीएम मोदी भी देंगे मृतकों के परिजनों को मुआवजा। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आज रहेंगे सुल्तानपुर दौरे पर। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। जी हां, सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेलवे उपरिगामी सेतु का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। अरवल किरी करवत में एयर स्ट्रिप का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और जनता से करेंगे संवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अजय। अजय जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? जी मैम, इस समय प्रशासन जो है अलर्ट है। योगी जी का आगमन जो सुल्तानपुर में हो रहा है जी, इससे प्रशासन अलर्ट हो गया है और हर जगह नाकेबंदी और सुरक्षा व्यवस्था को पूरे ध्यान में रखते हुए और पूर्वांचल एक्सप्रेस का करेंगे निरीक्षण। तो क्या इसके साथ में कुछ और चीजों का भी जायजा या निरीक्षण करने का भी कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है? जी, जैसे आपको बताएं कि अलवर की जो कैंप बना हुआ है उसी का स्थानीय निरीक्षण करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। सुबह 11:30 बजे कलवारी बांध पहुंचेंगे सीएम योगी। रेलवे उपरिगामी सेतु का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, केजीएमयू में मरीज की मौत। स्ट्रेचर ना मिलने से मरीज की मौत। मरीज को 1 घंटे तक नहीं मिला स्ट्रेचर। होल्डिंग एरिया में इलाज के अभाव में मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्ट्रेचर ना मिलने से एक मरीज की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। तो राहुल, क्या कुछ अपडेट आ रहे इस खबर को लेकर? जी पीएम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है चौक का है। चौक में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ की मामला है और वहाँ पे देखा गया है कुछ कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से स्ट्रेचर नहीं मिला है, जिसके वजह से जो पीड़िता थी उनकी मौत हो चुकी है। जी देखिए, लगातार इस तरह के जो मामले आते हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं करता दिखता है। लगातार स्ट्रेचर, क्या कभी कभी डॉक्टर समय पे नहीं मौजूद होते हैं, उसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है कि आखिर कहाँ पे कैसी लापरवाही जो सामने आ रही है उसके प्रति जो प्रशासन है, क्या वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी, इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं और कुछ जो डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही सामने आई है और अभी कुछ बात करने की कोशिश हो रहा है
और अभी सुप्रिंटेंडेंट जो है वो मेडिकल के अभी कुछ बोलने के लिए इस पे अभी आ नहीं रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होता है और जैसे ही वो अपनी सफाई अभी देंगे, तमाम चीजें उस पे निकल कर आ रही है कि लापरवाहियां समझ में आ रही हैं। बाकी उसमें जो बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि ये जिसकी भी लापरवाही होगी उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मथुरा में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र गोवर्धन पर्वत की शिलाओं को ऑनलाइन सेवा बेचा जा रहा है। यह बिक्री एक कंपनी लक्ष्मी डिवाइन आर्टिकल स्टोर्स कर रही है। हाई संस्था ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी इंडिया मार्ट चेन्नई पर बकायदा विज्ञापन भी डाला गया है। शिला की कीमत 5,000 रुपए रखी गई है, जिस पर कंपनी ने नेचुरल गिरी गोवर्धन शिला, गोवर्धन स्टोन गिरिराज कृष्ण शिला लिखा है। वहीं गिरिराज शिला का एक फोटो भी लगाया गया है और उसकी कीमत 5,175 रुपए रखी गई है। इसको लेकर मथुरा के संतों में आक्रोश पैदा हो गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी अपने भाषण में नए कृषि कानून को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। सदन में कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी के जवाब के बाद कृषि कानून की आगे की दिशा भी तय हो जाएगी। हालांकि सरकार पहले भी इस कानून को वापस न लेने को लेकर कई दलील दे चुकी है। जी हाँ, बताएंगे कि सरकार पहले भी इस कृषि कानून को वापस ना लेने को लेकर कई दलीलें दे चुकी हैं, लेकिन लगातार जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सरकार से ये मांग उनकी भी लगातार जारी है कि जो कृषि कानून बिल है वो वापस लिया जाए। सदन में कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी के जवाब के बाद कृषि कानून की आगे की जो दिशा है वो भी तय हो जाएगी। तो कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी अपने भाषण में नए कृषि कानून को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। तो कृषि कानून पर पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो चर्चा है वो जारी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी अपने भाषण में नए कृषि कानून को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। हालांकि जो सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि कृषि कानून का जो कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। उधर दूसरी तरफ जो किसान हैं वो लगातार अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनका भी आंदोलन जारी है। साथ ही दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी लगातार कृषि कानून बिल वापस लेने को नहीं कह रही है। तो सदन में कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी के जवाब के बाद कृषि कानून की आगे की दिशा तय हो जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है जो सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, ऐसे में सीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी सोमवार को अपने भाषण में नए कृषि कानून को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। सदन में इसकी अगर बात करें तो कृषि कानून को लेकर नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद कृषि कानून की आगे की दिशा तय हो पाएगी। हालांकि अगर गौर करें दूसरी तरफ तो पहले की सरकार इस कानून को वापस ना लेने की कई दलीलें पेश कर चुकी है, लेकिन 5 फरवरी से जो भाजपा ने राज्यसभा में अपने सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, उसके बाद बीजेपी ने सांसदों से 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच करीब सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा था। तो हो सकता है इनके बीच में कुछ चर्चा हुई हो, कुछ नया प्रयास करेंगे किसानों से चर्चा करने के लिए या संशोधन के लिए। तो अभी फिलहाल जब तक मोदी का कोई बयान सामने नहीं आता है, कुछ भी केवल कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल हालात में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर कांग्रेस भी व्हिप जारी करने के लिए कांग्रेस सांसदों को सोमवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा था, उसने व्हिप जारी किया था उसने भी। ऐसे में सदन में हंगामा होने की उम्मीद तो है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर सदन में चर्चा की लगातार मांग चल रही है, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज नरेंद्र मोदी
इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। कहीं ना जी धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बात जो आज राज्यसभा में पीएम मोदी इस बात पे भी चर्चा कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया, तो क्या किसानों को भी उम्मीद है लगातार, क्योंकि जिस तरह से कई दौर की चर्चाएं हुई सरकार से किसानों की, उस वो तो लगातार फेल होती दिखाई दी, कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया, तो क्या आज भी किसानों को ये उम्मीद है कि जो आज ऐसा पीएम मोदी कर सकते हैं कृषि कानून वापस लेने को लेकर? देखिए, किसानों की उम्मीदें जो है वो लगातार बरकरार हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि शायद संसद में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर कोई फैसला किसानों के पक्ष में आ सकता है। लेकिन सूत्रों की माने कि जिस तरह से कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और अपने सभी सांसदों को सोमवार में को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है, ऐसे में सदन में करीब करीब जोरदार हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सदन में चर्चा लगातार जारी है। लेकिन अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक चीज ये मानी जा सकती है कि कुछ नेता अगर इनकी बातों पर सहमति नहीं बनती है, ज्यादा हंगामा होता है, तो सदन से वॉकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में कृषि कानून को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला तो पहले से ही कर रही है, लेकिन सोमवार को करीब 16 विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी एक संयुक्त बैठक भी आज होनी है, जिसके हिसाब से ये पूरी रूपरेखा तय होगी कि आखिर सरकार को संसद में घेरना किस तरह से है और कृषि कानूनों को लागू जो हुआ है उसमें जो जिन वो कानून जिनको ये लोग काला कानून बता रहे हैं, तो उस समय काला क्या है ये किस तरह से प्रूफ करना और किसानों को के लिए कृषि कानून में तब्दीली कैसे लाना है और इस पर सरकार को कैसे घेरना है, इस पर भी विचार विमर्श मंथन हो सकता है। जी धर्मेंद्र जी, क्या सरकार जो इसमें कोई बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि कृषि कानून को पूरी तरह से हटाने की बात तो सरकार ने कही दी है कि वो तो नहीं हटा सकती है, तो क्या कई जो बड़े बदलाव हो सकते हैं कृषि कानून बिल को लेकर, तो वो क्या हो सकते हैं, इसकी आशंका है या फिर नहीं? बिल्कुल संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि संभावनाओं कुछ ना कुछ तालमेल जमाने की बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश हमेशा होती है और जिसके लिए ऐसा लगता है कि सरकार पहले भी इनको न्योता दे चुकी है, किसान नेताओं को या पाई में बैठ कर बात कीजिए, जिसको उन लोगों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और सरकार से बैठ कर बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना था। लेकिन जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है, सरकार भी नहीं चाहेगी कि सीमाओं पर बड़े हंगामे हो, जिस तरह से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को किसान जाम कर रहे हैं, कईयों की जान भी गई है और दूसरी तरफ कई किसान ऐसे हैं जो लगातार जिस पर आमदा अड़े हुए हैं कि वो कृषि कानून को वापस लें, तो किसान नेताओं की इस बात को देखते हुए और आज की जो संयुक्त दल की बैठक है विपक्षी पार्टियों की, जिसमें यही बताया जा रहा है कि विपक्ष लोकसभा में अपनी रणनीति की समीक्षा करेगा, राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम बड़ी बहस होगी ऐसा भी माना जा रहा है। ऐसे में विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने से किसी सूरत में चूकना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में सरकार भी अलग थलग अगर पड़ती है तो कुछ न कुछ फैसले में तब्दीली होने के संभावनाएं जताई जा रही है कि कुछ न कुछ तब्दीली सरकार करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू से। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की 3.5 मापी गई तीव्रता, पिछले महीने भी भूकंप के झटके किए गए थे महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। तो जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.5 भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी गई है। वहीं बताना चाहेंगे कि पिछले दिन महीने भी इस तरह के भूकंप के झटके जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में महसूस किए जा चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है, पिछले महीने भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, इस बात की पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने की है। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। दिल्ली की युवती से लखनऊ में गैंगरेप, शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर युवती को किया ब्लैकमेल, युवती को ब्लैकमेल कर दरिंदगों ने किया गैंगरेप, युवती के दिल्ली लौटने पर भी करते थे परेशान। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं,
शाहीन बाग थाने में युवती ने दी तहरीर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राहुल। राहुल जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? जी ये प्रिया, आपको बताना चाहेंगे कि जो ये मामला है बहुत ही जघन्य और इस तरीके का किया गया कृत्य कार्य है, जो कि युवती के साथ एक बलात्कार का केस जो है दर्ज कराई है। और ये मैं युवती के बारे में बताना चाहूंगा, युवती जो है दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ की जो हयात होटल और उनका कुछ हॉस्पिटल्स भी है और तमाम, वो एक तरीके से मान लीजिए कि लखनऊ के बहुत ही उद्योगपति के में आते हैं। और उस तरीके का उन्होंने क्या किया कि युवती से और उसका पहले से कुछ का अफेयर था, इस तरीके का मामला हुआ। अब लड़की के साथ वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को बनाने के बाद उसको शादी का झांसा देकर, लड़की भी सोची कि मैं शादी कर लूंगी तो सारी चीजें सही चलेगा, बट क्या हुआ कि इनको शादी का झांसा देकर और इनके साथ खूब अच्छे से रेप किया गया। और रेप कर, राहुल जी जो जिस तरह से बताया कि युवती ने इस मामले को लेकर शाहीन बाग थाने में तहरीर दी है, तो क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई की है? जी, इस मामले में जो है पुलिस ने बलात्कार का एफआईआर जो है नोट कर लिया है और उसका जो और बयान जो है दूसरे पक्ष का भी जानने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे ही मामला आता है फिर उसके बाद कार्रवाई जो है पुलिस आगे की करने शुरू कर देगी। बाकी पुलिस जो है युवती का जो बयान है दर्ज कर लिया है और एफआईआर आगे की छानबीन जो है वो पुलिस करने जा रही है। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हयात हॉस्पिटल के मालिक समेत चार पर केस दर्ज। दिल्ली की युवती से लखनऊ में गैंगरेप, शादी का झांसा देकर युवती का शोषण। जी हां, लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, युवती को ब्लैकमेल कर दरिंदों ने किया गैंगरेप। लखनऊ से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बच्चे के अपहरण कर की सूचना से मिला हड़कंप। मोहल्ले के युवकों ने किया बच्चे का अपहरण। पुराने विवाद को लेकर युवकों ने किया था अपहरण। पारा क्षेत्र के शीतलपुरम से हुआ था अपहरण। जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बच्चे के अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप। मोहल्ले के युवकों ने किया बच्चे का अपहरण। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ है। अभी तक कुल 14 शवों को मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू में जुटी हुई है। टीम और राज्य केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। तो जिस तरह से कल चमोली में इतनी बड़ी आपदा आई, इसमें ग्लेशियर टूटने से बता दें कि यह आफत जो है वो है, वहीं 14 लोगों की मौत सामने आई है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बड़ी आपदा। बिहार में छठी से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। कक्षावार सिर्फ 50% विद्यार्थी ही स्कूल बुलाए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित SOP का पालन स्कूलों को करना है। शिक्षकों की उपस्थिति 100% रहेगी। स्कूलों को परिसर में साफ सफाई, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था करनी है। छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए टास्क टीम का गठन करने को कहा गया है। अगली खबर मथुरा से है। मथुरा के फरहा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। मृतकों में पति पत्नी और उनका 11 साल का बेटा शामिल है। परचून कारोबारी पति का शव फंदे से लटक रहा था, जबकि पत्नी और बच्चे का शव बिस्तर पर था। पड़ोसियों ने जब शाम तक घर से कोई आहट नहीं सुनी तो पुलिस को सूचना दी।
बता दें कि जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले पत्नी बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद फंदे से लटक गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में पति पत्नी के बीच कलह की बात सामने आई है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। नोएडा मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा सुपर फास्ट सेवा शुरू किया गया है। दिन में दो वक्त चलने वाली मेट्रो एक्सप्रेस सर्विस ऑफिस जाने और आने वाले यात्रियों को वक्त से लाएगी और ले जाएगी। यात्रियों के वक्त को बचाने के लिए सुपर फास्ट मेट्रो ट्रेन कुल 21 स्टेशन में से 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये वो स्टेशन होंगे जहां ऑफिस टाइम में कम लोग चढ़ते और उतरते हैं। लखनऊ में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। राजभवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बता दें कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। खबर आजमगढ़ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, इसको लेकर प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम योगी एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ संवाद भी करेंगे। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 24वें हुनर हाट का समापन समारोह मनाया गया। समापन दिवस के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश के शिल्पकारों को उनकी प्रतिभा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमने शिल्पकारों को देश और विदेश में नाम कमाने और उनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए 75 हुनर हाट आयोजित करने का लक्ष्य रखा था। वहीं 25वां हुनर हाट कर्नाटक के मैसूर में 6 तारीख से शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। हम हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 संस्कारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी को लेकर खुलासा किया गया कि शातिर पुलिस का लोगो लगाकर बड़ी चालाकी से घटना को अंजाम देते थे। ये यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे और ऐसे ही किसी को मकान बता करके अपना यहाँ रहते थे। सिराज जैसे बताता था कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ, और ऐसे ही धीरज और आदित्य भी करते थे। और दिन में ये अपाचे के साथ रहती करते थे। जो भी इनको घर ताला लगा हुआ मिलता था या जहाँ पर भी इनको संभावना लगती थी कि यहाँ पर चोरी की जा सकती है, और उसके बाद रात में पुलिस का मोनोग्राम वाली अपाचे गाड़ी के साथ निकलते थे ताकि लोगों को ये भ्रम हो कि ये पुलिस की मोबाइल गश्त पार्टी है। और बाद में ये उस घर को जिसे ये दिन में चिन्हित किए रहते थे उसमें ये नकबजनी करके सारे सामान वहाँ लूट लेते थे। उनके पास से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ।